को विश्व स्तर पर है। वहीं पे अगर भोजपुर की बात की जाए तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी कोरोना से बचाव को लेकर अब कमान संभालते हुए नजर आए। वहीं आज स्टेशन परिसर का जायजा लेते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी चौधरी नजर आए, जहां पर वो काफी ही नाराज दिखे। उनका कहना है कि जहां पर प्रतिदिन लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहां पे सैनिटाइजेशन की किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कोरोना के विश्वव्यापी प्रभाव के मद्देनजर आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार फूलचंद चौधरी ने तमाम न्यायिक पदाधिकारियों के साथ आरा रेलवे स्टेशन का दौरा किया तथा रेलवे परिसर एवं आने जाने वाले गाड़ियों में साफ सफाई, कोरोना के मद्देनजर उठाए गए कदम आदि का जायजा लिया एवं अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए। जिला जज ने अधिकारियों को अलग अलग दिशा में जाकर बुकिंग काउंटर, यात्री सुविधाएं पूछकर केंद्र, कैंटीन, प्लेटफॉर्म तथा अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही साफ सफाई एवं कोरोना जागरूकता को लेकर लगातार अनाउंसमेंट आदि के कार्यों की समीक्षा भी की तथा रेलवे स्टेशन प्रबंधक को आवश्यक निर्देश दिए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति जो आरा स्टेशन से बाहर जाएगा उसे हैंड वॉश करा कर ही बाहर जाने दिया जाएगा। इस संबंध में स्टेशन प्रबंधक को भी व्यापक निर्देश जारी किए गए। आज के इस निरीक्षण में एडीजे 1 राकेश कुमार सिंह, एडीजे 3 त्रिभुवन यादव, एडीजे 17 सुनील कुमार सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मुकेश कुमार द्वितीय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भोजपुर रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट प्रबंधक प्रज्ञा मौजूद रहे। इन अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा, यात्रा संपन्न कराने की रेलवे की जिम्मेदारी को निभाने हेतु रेल प्रशासन एवं रेलवे पुलिस बल को व्यापक निर्देश जारी किए हैं। कि एक डॉक्टर यहाँ रहे और एक रूम आप बनाइए आइसोलेशन का, कि अगर ऐसे अफेक्टेड पर्सन यहाँ मिलते हैं तो उसका जो है उसको आप अलग से एक रूम में रखें। रेलवे परिसर का सर क्या क्या पाया गया, क्या निर्देश दिया गया सर? रेलवे परिसर में यहाँ देखें, हम इस प्लेटफार्म पे सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है और स्टरलाइजेशन का या सैनिटाइजेशन का कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि ये शहर का मेन मतलब मेन सेंटर है, पोर्न एरिया है। यहाँ से लोग उतर के पूरे शहर में जाते हैं तो यहाँ से संक्रमण होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसलिए यहाँ पर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर देख रेख ये होना बहुत जरूरी है। सफाई क्या है, सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात की गई, लोगों को हाथ धोने के लिए सर्फ वगैरह का, साबुन का व्यवस्था करने के लिए बोला गया और सफाई को और इम्प्रूव करने के लिए बोला गया। सफाई तो है ही, लेकिन उसको और इम्प्रूव करने के हर दो दो घंटे पर, हम लोग एक घंटे पर साफ कराते हैं, यही निर्देश दिया गया जिसका पालन किया जाएगा। आपका पूरा नाम सर? परिचय बीके पांडे।